नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष, स्वागत करता हूँ सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाया भूगोल से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्निशियल परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लगभग सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूगोल से रिलेटेड लगभग 10+ क्वेश्चन सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे ही पूछे जाते हैं। देखिए, इसका पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने पार्ट 5 तक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप उन्हें हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सभी वीडियो आपको फ्री मिले, तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपकी सभी वीडियो फ्री में मिलते रहेंगे तथा इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा तथा आपको इससे हेल्प मिलते रहेंगी। तो आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है यह आपको मालूम होगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगभग परीक्षाओं में यह बहुत बार पूछा जाता है कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 3, यानी समताप मंडल। देखिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल पर। समताप मंडल पर ओजोन परत पाई जाती है। चलिए इससे जुड़कर डिटेल आपको बता दें। ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किमी ऊंचाई पर वायुमंडल में समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस का एक झीना सा आवरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था? यूनेस्को ने, UNCED ने, WHO ने, यूनिसेफ ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 2, यानी UNCED ने। चलिए चलिए इससे जुड़कर डिटेल आपको बता दें। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, इसका यह पूरा फॉर्म है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस एंड ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, द्वारा ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में 14 जून 1992 को किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु के वाष्पीकरण करने की क्षमता कम हो जाती है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाती है। निरपेक्ष आर्द्रता के वायु के प्रति घन मीटर से ग्राम से व्यक्त किया जाता है। प्रति 165 मीटर चढ़ाई के साथ तापमान 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर 2, ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाती है। ताप एवं वायु दाब के मध्य विलोम अनुपाती संबंध होता है, अर्थात जब ताप बढ़ता है तो वायु दाब घटता है तथा दाब घटने पर वायु दाब बढ़ता है। निरपेक्ष आर्द्रता को प्रति घन सेंटीग्राम मीटर ग्राम से व्यक्त किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह की स्थानीय समय में ग्रीनविच समय में कितना अंतर होता है? 2 मिनट का, 4 मिनट का, 6 मिनट का, 8 मिनट का। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 2, यानी 4 मिनट का। रेखांश के प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह की स्थानीय समय में ग्रीनविच समय कितना अंतर होता है? 4 मिनट का। जैसे जो कुछ डिटेल आपको बता दें, पृथ्वी के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर कहते हैं। देखिए, पृथ्वी के जो दोनों ध्रुवों को मिलाती है उस रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर। प्रत्येक देशांतर एक अर्धवृत्त होता है और अपने देशांतर के साथ मिलकर पूर्ण वृत्त बनाता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। इनकी कुल संख्या 360 है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। इसका अर्थ है कि 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार प्रत्येक 15 डिग्री को पूरा करने में लगभग 1 घंटे का समय लेती है, अथवा 4 मिनट का समय प्रत्येक डिग्री को पूरा करने में लगता है। ग्रीनविच से प्रत्येक अंश पर 4 मिनट का अंतर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? देखिए, विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। शरतकालीन विषु, खगोली विषु, शीतकालीन विषु, वसंतकालीन विषु। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 1, यानी शरतकालीन विषु। इसको क्या कहते हैं? शरतकालीन विषु। विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच बीच में पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। विषु शब्द दिन और रात बराबर होने की अवधि का द्योतक है। 21 मार्च को बसंत विषु के समय तथा 23 सितंबर को शरद विषु के समय दोनों गोलार्ध रात दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं समय तथा 23 सितंबर को दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करते हैं समय विषुवत रेखा पर पहुंचता है। इन दोनों तिथियों को दोनों गोलार्ध में 12-12 घंटे के दिन एवं रात
होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए हमारा वीडियो यदि आपको पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। विषुवत रेखा है, देखिए विषुवत रेखा क्या है? उत्तर और दक्षिण ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा, शनि ग्रह के गिर्द एक मेखला, पृथ्वी के घूर्णन का अक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर दो, उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, विषुवत रेखा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, 180 डिग्री देशांतर। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर फोर, 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, पृथ्वी पर ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो दो क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में मध्य प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय यह है कि जहां कोई स्थल भाग पड़ता है उसे मोड़ दिया जाता है। 180 डिग्री से देशांतर पर पूर्व से पश्चिम जाने पर एक दिन कम हो जाता है और पश्चिम से पूर्व जाने पर एक दिन बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? देखिए उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्क्रीचिंग 60s, हार्ट लेडी ट्यूटस। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर दो, नंबर फोर, हार्स लेडी ड्यूटस। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंध को हार्स लेडी ड्यूट्स अक्षांश कहा जाता है। 30 डिग्री से माइनस 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायु दाब की स्थिति पाई जाती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा कम है, ध्रुव पर त्वरण की अपेक्षा अधिक है, ध्रुव पर त्वरण के बराबर है, पृथ्वी के अभिकेंद्रीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर एक, ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम है। गुरुत्व के कारण त्वरण विषुवत रेखा पर ध्रुवों की अपेक्षा कम है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं देखते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है, देखिए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछता है, ये देखिए परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछता है कि कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यह भी पूछ सकता है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो पहले ये जहाँ जो पूछा वो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, कर्क रेखा नहीं गुजरती है भारत से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, म्यांमार से। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर दो, यानी पाकिस्तान से। देखिए कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती है। इसका ऑप्शन इसका डिटेल कुछ जान लेते हैं। उपयुक्त देशों में पाकिस्तान से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, जबकि भारत, बांग्लादेश एवं म्यांमार से होकर गुजरती है। देखिए कर्क रेखा भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरती है, लेकिन पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं गुजरती? अब देखिए भूमध्य रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं, केन्या, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर दो, यानी मेक्सिको। देखिए भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती है। उपयुक्त देशों में से भूमध्य रेखा मेक्सिको से होकर नहीं गुजरती, भूमध्य रेखा कांगो, केन्या, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, सोमालिया, कोलंबिया तथा मालदीव आदि देशों से होकर गुजरती है तथा मेक्सिको से नहीं गुजरती। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थान को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा होती है, हैस्यूर, कंटूर, स्पॉट वाई हाइट, आइसोम। तो इसका जो राइट आंसर है वह है नंबर दो, कंटूर। दो समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समोच्च रेखा कंटूर लाइन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, देखिए कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो दर्शाती हैं, वो क्या दर्शाती हैं? पर ऑप्शन देख लेते हैं, पहला समान वायुमंडल दाब वाले क्षेत्र, समान तापमान वाले क्षेत्र, बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र,
बराबर धूप वाले क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 3 बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र। कंटूर एक काल्पनिक रेखा है जो बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र को दर्शाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्रफल की विस्तृत धरातली विशेषताओं को दर्शाने वाली पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? उभरा मानचित्र, क्षेत्रवर्णी मानचित्र, भित्तीय मानचित्र, भौगोलिक मानचित्र। तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 1 उभरा मानचित्र। चलिए इससे जुड़े कुछ डिटेल आपको हम बता दें। उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय विशेषताओं को दर्शाने वाली पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को उभरा मानचित्र कहते हैं। यह मैप त्रिविमीय होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? देखिए संभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं, चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। दाब, वर्षा दर्शाती है, गहराई दर्शाती है या समय दर्शाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह नंबर 1 यानी दाब दर्शाती है। संभारी रेखाएं क्या दर्शाती हैं? दाब। चलिए इसे बिल्कुल डिटेल आपको बता दें। समान में छाछदन को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोनेफ कहते हैं। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार, संभारी समान वर्षा वाले स्थान को मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहाइट समवर्षा तथा समान लवणता वाली मिलाने वाली रेखाओं को आइसोहेलाइन कहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। आप इसे कहीं भी शेयर करते हैं किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पर। यदि हमारे वीडियो के माध्यम से आपको कोई भी परेशानी हो तो आप इसे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर से जरूर बताएं। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे मैं कोई वीडियो लूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके तथा आपको उससे हेल्प मिल सके। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।